नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि थंबनेल में यही लिखा हुआ था कि सिगरेट पीने वाले इस वीडियो को ना देखें या सिगरेट पीने वाले इस वीडियो से दूर रहें। तो सिगरेट हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है, सिगरेट ही नहीं बल्कि सारे नशा। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि जितने मसीही भाई बहन लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। जितने मसीह भाई लोग मसीही अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं या क्रिश्चियनिटी में जी रहे हैं, ऐसे लोग सिगरेट जो पी रहे हैं उनके लिए ये संदेश है। और ये संदेश उन तक पहुंचाइए, चाहे आपके परिवार के हों, आपके परिवार के ना हों, सभी के पास ये संदेश पहुंचाइए ताकि वो बचाए जाएं। दोस्तों लोगों को मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मौत का खेल चल रहा है, ठीक है, और मौत के खेल में वो घुस चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मौत के खेल में वो घुसने के बावजूद वो कभी भी मर सकते हैं और अपने परिवार को भी मार डालेंगे जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं। सारे नशाओं के बारे में बोल रहा हूँ, सिगरेट दिस इज आवर सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा आज इस प्रकार से लोगों के अंदर घुस चुका है, सिगरेट का जो वो नशा है, और उनको मालूम ही नहीं है, वो मजा से ले रहे हैं, उस मौत का खेल का मजा ले रहे हैं। और हर देश का सरकार, अब कौन कौन देश का है पता नहीं, लेकिन मैं तो देखा हूँ तो सारे देशों का सरकार या हमारे देश का सरकार भी मौत को बेचता है, सारे नशे वाले पदार्थ को बेचता है, मौत को बेचता है। और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, देखा जाए तो सरकार को टैक्स मिलता है इसलिए वो अप्रूव करके रखा है। और इस प्रकार से डब्बे में भी लिख दिया है कि स्मोकिंग किलिंग है ना, शराब सेहत के लिए हानिकारक है ना, और भी जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर लिखा हुआ रहता है ना, कि कोई मतलब आप हम चुनते हैं, सरकार का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है, हम चुनते हैं उसको। भाई आपके सामने जहर रख दिया है, ठीक है, जहर रख दिया है और एक जगह क्या रखा हुआ है, एक जगह अच्छा भोजन रखा हुआ है, लेकिन हम जहर को ही चुनते हैं, भोजन को नहीं चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार मौत को बेचता भी है और क्या करता है, वैक्सीन भी लगाता है। आज सबसे ज़्यादा मौत भी हुआ है, ठीक है, मौत हुआ कोरोना से, किस लिए हुआ, इम्यून पावर, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने की वजह से। तो जितने लोग नशा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नशा करते थे, या उनके भोजन खाने का रवैया, उठना बैठना सोने का, ये सारे चीज खराब थे, उनका आदत भी खराब था, खाना सोना उठना बैठना कि कुछ भी खा देते थे, फास्ट फूड आइटम, मदिरा पान, सिगरेट पीना, उन्हीं लोगों का ही ज़्यादा मौत हुआ है, क्योंकि उनके इम्यून बूस्ट पावर कम हो गया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया था। तो सरकार यहाँ लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम कर रहा है और क्या कर रहा है, अलग से वैक्सीन भी लगा रहा है, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, अभी एक वीडियो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मौत का सामान भी बेचते हैं और लोग बड़े चाव से खरीदते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं, और फिर उसके बाद इम्यून बूस्ट पावर उनका ख़त्म हो जाता है। अगर आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, मदिरा पान करने से क्या होता है, ये सारे वीडियो आप बहुत सारे देखे भी होंगे और मालूम भी होगा, आजकल दुनिया में कोई भी इस शिक्षा से अछूता नहीं है कि नशा शरीर के लिए हानिकारक होता है, या सिगरेट शरीर के लिए हानिकारक होता है, या तंबाकू शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये सारे जो ज्ञान है हर किसी को मालूम है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई जानता है कि कैंसर होता है, फेफड़े में आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा आपके, आपका पुरुषास्त्र जो है, आप नपुंसक हो जाएंगे, हैं, आपके स्पर्म कम हो जाएंगे, बाप नहीं बन पाएंगे, और आपके लीवर काम करना बंद कर देगा, उल्टी होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगा, बाल झड़ेगा, स्किन में रैशेस होगा, है ना, खुजलियाँ होंगी, हर एक प्रकार शरीर से दांत सड़ जाएगा, बदबू आएगा, हैं, और इस प्रकार से ना जाने क्या क्या होगी। तो आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन जो नशा करते हैं जानने के बाद भी कि इससे क्या क्या होगा, जानने के बाद भी नशा कर रहे हैं तो वो अपने परिवार को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए श्रापित हैं। ऐसे लोग जो इस प्रकार से नशा कर रहे हैं, जो नशा में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है अपने परिवार के लिए श्रापित है, अपने माता पिता के लिए श्रापित है,
अपने पत्नी के लिए श्रापित है, अपने बच्चों के लिए श्रापित है, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के लिए श्रापित है, अपने गांव के लिए श्रापित है, अपने जिला के लिए श्रापित है, अपने राज्य के लिए श्रापित है, सारे लोग, और यहाँ के देश के लिए भी श्रापित है। क्योंकि आज कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो नशा करते हैं, क्योंकि वो बता भी रहे हैं ऐसा। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वो गुटखा खा रहा था, गुटखा जो खाते हैं, तो कुछ डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, तो बहुत सारे, मतलब यहाँ पे 80% लोग नशा करते हैं, 20% ही अछूते बचे हुए हैं जो नशा नहीं करते हैं, बाकी सबको लत है, या कभी कभार कोई करता है तो एक दो बार पी लेता है, तो डेली कोई पीता है, कोई चैन स्मोकर है, तो कोई पियक्कड़ है, इस प्रकार से वो अपने जीवन को बना चुके हैं और देश को भी बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं, सबको बर्बाद कर रहे हैं। और इस प्रकार से इसका फायदा कौन उठा रहा है मालूम है? पॉलिटिकल्स। इसका फायदा पॉलिटिकल्स उठाते हैं। आपको नशा दे करके खरीदा जाता है, आपको नशा दे करके खरीदा जाता है, चाहे वो दारू हो, चाहे वो कोकीन हो, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको नशा दे करके खरीदा जाता है और आप नशे में बिक जाते हैं। हर एक प्रकार से धर्म और जात के नाम से फिर लड़ाई झगड़े, हर एक प्रकार से वोट खराब होते हैं जो वोटिंग देते हैं, तो इस प्रकार से नशा जो है पूरे देश को खराब कर देता है, पूरे परिवार को खराब कर देता है। और यही बात बाइबल में बहुत ही भयंकर रीति से लिखा हुआ है कि उन लोगों के साथ परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें खत्म कर देगा, उन्हें मार डालेगा, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का शरीर है। आइए हम बाइबल से देखते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। पहला कुरंथी 6 का, यहां पे हम देखते हैं 15 में, 6 का 15 में क्या लिखा हुआ है, पहला कुरंथी 6 का 15 में यहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? हमारा नहीं है। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं, उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं पिता पुत्र के नाम से, और मसीहत को ग्रहण करके एक नया जीवन और उद्धार और मुक्ति का जीवन और अनंत जीवन को पाना चाहते हैं और जी रहे हैं आशा रख करके, तो आपका शरीर नहीं है ये, आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं है ये। ये किसका शरीर है? यहाँ पे बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर के वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ? जो हम व्यभिचार करते हैं या फिर खराब करते हैं, चाहे व्यभिचार करो या शरीर को नाश करो, दोनों व्यभिचार है, हैं? अंग बनाओ, कदापि नहीं। अब 19 में हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 19 में लिखा हुआ है, 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे अंदर क्या है जो तुम में बसा हुआ है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। जब हम क्या करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के बस जाता है, हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाता है। उसके बाद क्या होता है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो परमेश्वर की ओर से हमारा तोहफा है, और तुम अपने नहीं हो। अब तुम भैया अपने नहीं हो, तुम अपनी पत्नी के नहीं हो, अपने माता पिता के नहीं हो, अपने बच्चों के नहीं हो, अपने सगे संबंधी के भी नहीं हो, तुम किसके हो? तुम परमेश्वर के हो, प्रभु यीशु मसीह के हो। और क्या लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अरे परमेश्वर तुम्हारे शरीर को मोल लिया है अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से। अब तुम अपने ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, वो परमेश्वर का है, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का है ना। तो आइए हम पहला कुरंथी 3 निकालेंगे, यहाँ पे पहला कुरंथी 3 इसी में ही। अब इसमें क्या लिया हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3:17 में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें फिर वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे क्या 16:17 में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, बैठता है, इसमें वास करता है ना। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अगर हम अपने परमेश्वर के मंदिर को यहाँ नष्ट करते हैं, इस बॉडी को, इस शरीर को, तो परमेश्वर हमको नष्ट कर देगा, हमें परेशानी में डाल देगा,
हमें बुराई में फंसा देगा। जैसे शाऊल, शाऊल क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। जो राजा था यहूदियों का, पहला राजा शाऊल, हाँ उसने क्या किया है, अमालेकियों को मारने के लिए बोला, सबको खत्म करने बोला, तो उसने सबको खत्म तो किया लेकिन गाय और बकरी और बैल भैंस को ला लिया बलिदान चढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। और वो राजपद से हट गया और उसके अंदर भटकने वाली एक आत्मा और परेशान करने वाली एक आत्मा भेज दिया। दाऊद उसको वीणा बजा करके उसको शांत करता था, शाऊल को। तो यही बात है कि हमें परमेश्वर नाश करेगा, हमें सजा देगा, पीड़ा देगा, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हमारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे, हमारे माता पिता सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारा पूरा जो सगे संबंधी है वो भी हमारे साथ हमें गाली देंगे, हमें बर्बाद देखते ही हमें कोसेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने इस मंदिर को पाक पवित्र और शुद्ध रखना है, उस पवित्र आत्मा जो बसा हुआ है उसके अनुसार चलना है, ना कि वेश्या के अनुसार और ना ही नशा के अनुसार। अपने शरीर को पाक पवित्र और शुद्ध करना है, नहीं तो परमेश्वर नाश कर देगा। और दोस्तों, और हम वचन देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं गौर करिएगा, मैं पढ़ता हूँ। 23 पद में लिखा हुआ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हमें क्या करना है, क्या करना है। लोग रैप्चर बोल रहे हैं, अंत का दिन आ गया बोल रहे हैं, सब डर रहे हैं, सब भ्रम के मारे उनका दिमाग खराब हो जा रहा है। अरे तो क्या करना चाहिए उतने समय, अंत के दिनों में ठीक है, चल रहा है अंत का दिन, ठीक है रैप्चर होगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। निर्दोष और सुरक्षित रहें, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर पवित्र है, बुलाने वाला सच्चा है, हमें अपने जीवन को वैसे ही बनाना है, निर्दोष है, साफ सुथरा, निष्कलंक, पाक और पवित्र। अगर हम अपने शरीर को नहीं बनाए तो सर्वनाश है, परमेश्वर हमारे परिवार को भी नाश करेगा और हमें भी नाश करेगा। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, इब्रानियों में लिखा हुआ है। तो आप परमेश्वर के कार्यों को मजाक ना समझें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम नशा अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्रोध को बुलाते हैं और हम अपने अपने मंदिर, अपने मन के मंदिर को, पवित्र आत्मा को भगा देते हैं बाहर। तो याद रखिए, अपने आप को बदलिए और अपने जीवन को पाक और पवित्र और शुद्ध करिए आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अलविदा लेने का समय आ चुका है और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बाइबल कोर्स करते रहें, ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप करें। और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।